स्टूडेंट्स, आज के एजुकेशन हब 500 में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कल अपन ने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ी थी कि किसी भी पदार्थ में हुआ रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इस दौरान रासायनिक क्रिया जब होती है तो किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर निकलता है और न ही मिश्रण से बाहर और न ही मिश्रण के अंदर, तो मिश्रण से बाहर जाता है और न ही मिश्रण के अंदर आता है। अर्थात वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध टूटने से, नए बंध बनने से नए यौगिकों का निर्माण होता है, उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब ये बंध टूटते हैं, बंद आपस में परस्पर जुड़ते हैं, आपस में जुड़ने और टूटने के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो कई प्रकार की होती हैं। जैसे नंबर एक है संयोजन अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम है योगात्मक या संयुग्मन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है, योगशील अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, योगशील, योगात्मक, संयुग्मन एक ही बात है। जैसी परिभाषा देखो, जैसा नाम है उसी के अनुसार परिभाषा निकल के आती है। योग का मतलब है जुड़ना, योग का मतलब है जुड़ना। अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे योगात्मक या योगशील या संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक एकल अधिक अभिकारक मिलकर के एक एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं अपने पास में दो अभिकारक हैं, एक अभिकारक ए है, दूसरा अभिकारक अपना बी है, दूसरा अभिकारक ही है, दोनों मिलकर के एक एकल उत्पाद ए बी बनाते हैं, एक एकल उत्पाद ए बी बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में
यहाँ पर एक अभिकारक ए है, दूसरा बी है, दोनों जुड़ते हैं, जुड़ करके एक एकल उत्पाद ए बी बनता है। ये दोनों जो हैं वो अभिकारक हैं, ये जो है उत्पाद है। अभिकारक और उत्पाद अपन ने पढ़े हैं। अभिकारक जिसका दूसरा नाम है क्रियाकारक, उत्पाद जिसका दूसरा नाम है क्रियापद। क्रियाकारक अभिकारक वे पदार्थ जो अभिक्रिया को शुरू करते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया पूर्ण होने पर जो प्रोडक्ट बनता है उत्पाद कहलाता है, अर्थात क्रिया पूर्ण होने के बाद में जो फल मिलता है वो क्रियाफल कहलाता है। इस अभिक्रिया में दो अभिकारक हैं, दोनों जुड़ते हैं, एक एकल उत्पाद बनाते हैं जो ए बी बनता है। इसे और ठीक प्रकार से समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग में हम एक बीकर लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, बीकर में जल डालते हैं, बीकर में जल डालते हैं। ये बीकर है, इसमें जल डाला, ये हो गया जल। अब इस जल में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं। जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं जल में, तो एक तीव्र अभिक्रिया होती है। इसमें जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, जल में डालते हैं, तो जल गर्म होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। मैंने बताया कि इस दौरान इस बीकर में मिलते हैं, बीकर है, इस बीकर में जल लिया, जल में कैल्शियम ऑक्साइड डाला, कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ देखो कैल्शियम ऑक्साइड है। एक है कैल्शियम ऑक्साइड जिसका सामान्य नाम है बिना भेजा चूना, यहाँ एक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसका सामान्य नाम है बिना भुजा चूना, और ये सामान्य नाम है भुजा हुआ चूना। जैसे इसको जल में डाला गया, बिना भुजा चूना है, उसको जल में डाला गया, ये भुज गया, जल उसमें मिल गया, मिल करके एक एकल उत्पाद बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे भुजा हुआ चूना कहते हैं। रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम
मोक्ष है, ये है जल, मिलकर के एक एक अनुपात बनाते हैं, ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस दौरान देखो होता है कि इस बीकर में जल होता है, जल में जैसे ही CaO डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, तो ये पानी गर्म हो जाता है। क्या होता है? गर्म होता है। गर्म क्यों होता है? क्योंकि इस दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा निकलती है। इस प्रकार यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण भी है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण भी है। आज इतना ही, फिर कल पढ़ेंगे।